न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क, अगर आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। शराबी बड़े भाई की कर दी हत्या, शिटाई करने पर हमला, पीटीएम से ही लूट लिया गया 6,000 रुपए। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शराबी बड़े भाई की कर दी गई हत्या। नागपुर में पत्नी और खुद की पिटाई के जाने से आग बबूला युवक ने शराबी बड़े भाई की हत्या कर दी। यह वारदात पांडव के दिन दोपहर को हिंगना के मांडवा घोरड़ में हुई। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। मृतक किसान विनायक चौके और आरोपी गोविंद चौके है, जो की मांडवा घोराड़े के रहने वाले है। चौके बंधु अपनी माँ के साथ रहते थे। किशन को शराब की लत थी। उसे 9 साल का बेटा नयन भी था। वह नाना नानी के साथ रहता था। 2 सितम्बर को पोले के दिन बड़ा भाई गोविंद काम से घर लौट आया। इसके आते ही किसी ने शराब के नशे में विवाद करने लगा। किसी दौरान ना छोटे भाई गोविंद की पत्नी को भी गाली गलौज करने लगा। गोविंद आग बबूला हो गया। उसे लात घूसों से पिटा गया, जिसके जख्मी होने के बाद किसान काफी देर तक खड़ा नहीं हो पाया। पुलिस ने किसान को हिंगना के ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम की बात करने पर चोट होने की बात पता चली। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। छीटकशी करने पर हमला कर दिया गया। नागपुर में मारपीट देकर लौट रहे अपराधी और उसके साथियों ने छीटकशी और धक्का मुक्की किए जाने से 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। यह वारदात मंगलवार की तड़के इतवारी के नेहरा पुतला चौक पर हुई। जख्मी ऋतुज महावरे हुडकेश्वर कॉम्प्लेक्स कॉलोनी के रहने वाले हैं। नेहरू पुतले के पास लकड़गंज पुलिस ने आरोपी रौनक कमल, सुमित्र, अभय हजारे, नकुश मेश्राम, गावनकर ठक्कर ग्रामन पाचपौली तथा उनके साथियों को गिरफ्तार किया है। उनके 3 साथी फरार है। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। पेटीएम से ही लूट लिया गया 6,000 रुपए। नागपुर में जब भी नगद राशि की जरूरत होती है, असामाजिक तत्वों के एक युवक की पिटाई करने वाले ऑनलाइन 6,000 लूट लिए गए। यह वारदात मंगलवार की रात अजनी की रहाटे टोली में हुई। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया। आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी एकनाथ रुकुन मानकर है, संजल समोत सामान्य तथा राज निकंद नायवाड़े भी है, जो कि रामटे के रहने वाले हैं। बेलतरोड़ी निवासी संकेत मेश्रा मंगलवार की रात अपने मित्र के साथ किसी काम के रहाटे नगर कॉलोनी में गए थे। इसी दौरान आरोपी की उस पर नजर पड़ी। परिसर में बड़ी संख्या में अवैध शराब के अड्डे है। पांडव होने से बाहरी लोग बड़ी संख्या में शराब नकदी खरीदते हैं। अब हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर को और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मैं रही है MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS।